पुलिस की गिरफ्त में पहले देखिए ये शख्स जीप के अंदर बैठता है। इसके कुछ देर के बाद ये महिला अपने मुंह को छिपाए पुलिस की उसी जीप के अंदर जाकर बैठ जाती है। ये महिला जो अपने फेस को ढकी हुई है, जो अपने चेहरे को छिपाकर पुलिस की इस जीप में बैठ रही है, ये महिला एक माँ है। ये यूं कहूँ कि ये महिला एक माँ थी। ये वो माँ थी जिसने अपने हाथों से अपनी कोख को उजाड़ दिया। इस महिला ने अपने हाथों से अपनी 6 साल की मासूम बच्ची को मौत की नींद सुला दिया। माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसको हर धर्म में सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। आप किसी भी मजहब के मानने वाले क्यों ना हो, हर मजहब में माँ का जो ओहदा है, माँ का जो माँ की पोजीशन है, वो सबसे ऊंची कही गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अपने इलिसिट रिलेशनशिप, नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए माँ ने 6 साल की मासूम बच्ची को ना सिर्फ जान से मारा, बल्कि उसकी जो लाश है उसको घर के पास ही एक खंडर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम को घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई थी, जिसके बाद बच्ची के परिवार के साथ ग्रामीणों ने उस बच्ची की तलाश हर जगह करी, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जो महिला थी वो उस बच्ची के जो और रिश्तेदार थे, उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने गए और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस को जांच में ये बात सामने आई कि इस पूरी हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड थी वो कोई और नहीं बल्कि इस 6 साल की मासूम बच्ची की अपनी सगी माँ थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम चैनल। माँ ने प्रेमी के साथ मिलकर दराती से वार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी और उसके शव को खंडर में फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम को घर के बाहर खेलते हुए संदिग्ध हालत में गायब हो गई थी। बच्ची को परिवार के साथ ग्रामीणों ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने, जो महिला थी उसके परिवार वालों ने, बच्ची के परिवार वाले, आस पड़ोस जो जानने वाले थे, उन सब ने मिलकर थाने गए और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को मासूम का शव घर से 20 मीटर की दूरी पर खून से लथपथ एक खंडर में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने अलग अलग एंगल से जांच की। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गर्दन और पेट पर ऐसे निशान थे जैसे किसी तार से गले को काटा और घोटा गया हो। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि बच्ची की मां सुलेखा ने अपने भतीजे के साथ मिलकर, जिससे उसका प्रेम प्रसंग था, उसके साथ मिलकर बच्ची की हत्या करी। दरअसल 6 साल की जो मासूम बच्ची थी उसने मां को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके चलते मां ने डर कर अपनी बेटी की हत्या कर दी और शव को खंडर में फेंक दिया। ये घटना थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव जखेड़ा में हुई। सुरेखा का पति असल में ट्रक ड्राइवर है और रोजी रोटी कमाने के लिए वो अक्सर घर से बाहर रहता था। इसी बीच सुरेखा के अपने जेठ के बेटे अंकित के साथ नाजायज रिश्ते बन गए। राजेश के जब वो घर से बाहर चला जाता था उसका पति सुरेखा का, तो अंकित जो है ज़्यादातर वक्त सुरेखा के साथ उसके घर पर अकेले में बिताता था। अब बीते 31 मार्च 2024 यानी पिछले महीने राजेश ट्रक लेकर बाहर गया हुआ था। रविवार की दोपहर सुरेखा और अंकित एक दूसरे के साथ अकेले में घर के अंदर थे, तभी 6 साल की बेटी काव्या ने दोनों को साथ देख लिया था और फिर उसके बाद बच्ची ने यह कहा कि वो पिता राजेश को सारी बात बताएगी। इससे सुरेखा और अंकित डर गए और दोनों ने मिलकर काव्या की दराती से वार करके रात के अंधेरे में मासूम की हत्या कर दी और लाश को खंडर में फेंक दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि हत्या में बारीकी से जांच की गई, घर का भी पूरे अच्छे से मुआयना किया गया। जब वो जांच कर रहे थे, घर के अंदर भी तलाशी ले रहे थे, तो उन्हें दीवार पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए और फर्श को पानी से धोया हुआ साफ दिख रहा था। इसके बाद घर की नाली में भी उन्हें कुछ खून के धब्बे दिखाई दिए। इसके बाद कप्तान ने मकान को सील करके माँ सुरेखा को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस की सख्ती के आगे माँ टूट गई। हालांकि पहले वो बात को घुमाती रही, अपने जुर्म को मानने से इनकार करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछा तो वो टूट गई और उसने बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली। सुरेखा ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम प्रसंग अपने भतीजे अंकित के साथ चल रहा था, बेटी ने दोनों को साथ देख लिया था, जिसके बाद उसने दराती से वार करके बेटी को मौत के घाट उतार दिया।
फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और हत्या में इस्तेमाल की गई दराती भी बरामद कर ली है। लेकिन जरा सोचिए, एक माँ ने अपने कांड को छुपाने के लिए अपनी कोख को ही उजाड़ दी, अपनी बेटी को मौत की नींद सुला दिया। इस कातिल माँ के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।